हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएससी ईयर का एक टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहली बात तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस करता है या उसके डीएनए को अल्टर करता है या उसके डीएनए में मैनिपुलेशन करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ में छेड़छाड़ की जाती है किसका यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज बाय लेबोरेटरी मैथर्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द रिजल्ट ऑफ दीज जेनेटिक मैनिपुलेशन Is DNA or DNA एक ऐसी होती है जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज के डीएनए मॉलिक्यूल को साथ में जोड़ा जाता है किसी लैबोरेटरी मेथड्स के द्वारा ओके okay? अब जब दो अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को साथ में जोड़ा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल या फिर वैक्टर कहते हैं ओके okay, या उसे हम आर डी एन ए कहते हैं रिकमए टेक्नोलॉजी की टोटल फाइव स्टेप्स होती है फर्स्ट होती है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन। ऐसा जीन जिसे हम डिजायरेबल जीन बोलते हैं जिसकी हमें जरूरत है जिसकी हमें आवश्यकता है उसे हम टारगेट जीन, जीन भी कह सकते हैं या जीन भी कह सकते हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं तो ऐसा जीन जिसकी क्लोनिंग हमको करनी है उस जीन की सबसे पहले पहचान की जाती है और उसको डीएनए में से अलग किया जाता है ओके अब जो जीन हमारे इंटरेस्ट का है उस जीन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसको अलग कर लिया उसके बाद में उस जीन को किसी सुटेबल वेक्टर में इंसर्ट कराया जाता है सेकंड स्टेप में क्या करते हैं उस जीन को किसी वेक्टर में इंसर्ट कराया जाता है ओके okay? थर्ड होता है कि इस वेक्टर को जिसमें हमने इस टारगेट जीन को इंसर्ट करवाया था उस वेक्टर को अब किसी सेल या जिसे हम होस्ट कहते हैं उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ओके okay? फिर फोर्थ स्टेप में जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल होती है उसका सिलेक्शन किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा टारगेट जीन होता है वो उस होस्ट सेल में जब प्रेजेंट होता है तो वो सेल क्या कहलाती है ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कहलाती है तो ऐसी सेल्स का सिलेक्शन कर दिया जाता है जिसमें हमारा टारगेट जीन प्रेजेंट होता है फिफ्थ स्टेप में जो इंट्रोड्यूस जीन होता है होस्ट में उसका मल्टीप्लीकेशन या एक्सप्रेशन होता है तो हम इस डायग्राम से सारी स्टेप्स को यहां पर समझेंगे फर्स्ट स्टेप थी हमारी आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन या फिर एंड आइसोलेशन ऑफ़ ऑफ़ जीन इंटरेस्ट अब जैसे अपन एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि ह्यूमोलिन का जो प्रोडक्शन होता है ह्यूमुल एक ह्यूमन इंसुलिन है इंसुलिन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन होता है और इसको कौन कंट्रोल करता है एक जीन कंट्रोल करता है तो ये हार्मोन डायबिटीज को ट्रीट करने में काम में लिया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इस ह्यूमुलिन या इस इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है अब जो इंसुलिन होता है उसको बैक्टीरिया में सिंथेसाइज़ करवाया जाता है और मतलब जहां पर हम जिस बैक्टीरिया में इसका इंसुलिन जीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस टाइप से बैक्टीरियल सिस्टम जो है वो ह्यूमन इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए बायो फैक्ट्रीज की तरह काम करती है okay? तो मान लेते हैं कि ये सेल है जिसमें हमारा जो टारगेट जीन है या फिर जिसे हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसके डीएनए में प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो इसके डीएनए को हमको आइसोलेट करना होगा सपोज अपन मानते हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसुलिन का है ठीक है इंसुलिन को कोड करने वाला जो जीन होता है वो है ये मान लेते हैं अपन तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उस सेल के डीएनए को हमने आइसोलेट किया उस डीएनए में ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट जीन है इसको हमने इस डीएनए से सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ कट लगाएगा और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट कर देगा क्लियर तो फर्स्ट तो हो गया कि इस जीन को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और इसको आइसोलेट कर लिया जो सेकंड स्टेप होती है वो ये होती है कि जॉइनिंग ऑफ दिस जीन इनटू सूटेबल सुटेबल ओके तो अब बात आती है कि वेक्टर क्या होता है तो वेक्टर ऐसा कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि होस्ट में होस्ट क्या हुआ जैसे ये होस्ट है ये बैक्टीरियल सेल जो आपको दिख रही है ये होस्ट है तो ऐसा कोई भी डीएनए जो कि होस्ट में अपने आप को मल्टीप्लाई करने में कैपेबल हो कौन से होस्ट में जिसमें अपन ये टारगेट जीन या डिजायर्ड जीन जो है उसको क्लोनिंग के लिए इंटीग्रेट करवा रहे हैं तो उस होस्ट सेल में इसमें मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं वेक्टर ठीक है जिसमें हम इसको डाल रहे हैं जिसको जिस बैक्टीरियल सेल में इसको प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसमें ये रेप्लिकेट होना चाहिए ओके या मल्टीप्लाईड होना चाहिए तो यहां पर हमने क्या देखा था कि

अब जहां कट लगा है वहां पर किसको अपने को डालना है जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस जीन को हमने यहाँ पर आइसोलेट किया था उस जीन को इसके साथ में जोड़ना है तो इसको और इसको इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर कौन करता है लाइगेज एंजाइम करता है ओके कौन करेगा लाइगेज एंजाइम तो देखिए लाइगेज ने इसको जोड़ दिया है एक तो बैक्टीरियल डीएनए को और साथ में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको तो इससे जो बनता है उसे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाजमिक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर हम उसे आर डीएनए कहते हैं ओके okay. फिर थर्ड स्टेप होती है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस दिसक्टर इंटू सुटेबल ऑर्गेनिज्म किसी सुटेबल ऑर्गेनिज्म में इसका इंट्रोडक्शन करवाना ये क्या हो सकता है कोई भी बैक्टीरियल सेल हो सकती है ओके okay. तो यहां हमने इसको ये जो वेक्टर था इसका इंट्रोडक्शन हमने किस में करवा दिया सुटेबल uh, ऑर्गेनिज्म जिसे हम होस्ट सेल बोलते हैं उसमें करवा देते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप आती है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल थ जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो कई सेल होती है जिसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट होता है वो मतलब

तो ऐसी सेल्स जिसमें कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है वो कम होती है इसलिए मल्टीप्लीकेशन से कौन -कौन तो और, और जीन फिर जैसे मान लो कि ये वाली सेल्स है ये दो सेल्स हैं इनके अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करवाया जाती है तो देखिए इतनी सारी सेल्स बनती है तो इसमें क्या होता है कि जो इस मेथड को हम जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं इसमें डिजायर्ड जीन की कई कॉपीज बनाई जाती हैं प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि ये जीन जो है जिस प्रोटीन को करोड ये जीन जो है जो मतलब इस जीन के द्वारा जो प्रोटीन कोड होता है उसकी जो है वो आ, कई कॉपीज बनाई जाती है इस जीन की ताकि वो प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस हो सके ओके अब वेक्टर के साथ ये जो जीन इंसर्टेड किया जाता है ये जीन जो है है वेक्टर के साथ साथ रेप्लिकेट करता है होस्ट में क्या होता है? जीन की ओके एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है ऐसा वेक्टर जिसमें कि प्रमोटर ऑपरेटर ये सारे कंट्रोलिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं और इसमें फिर जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट क्या होगा प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन प्रोडक्ट होगा वो मास कल्चर में लार्ज क्वांटिटी में सिंथेसाइज होता है ठीक है और इसी टाइप से इंसुलिन का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है सेल कल्चर में ओके तो ये फाइव स्टेप्स अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की यहाँ पर डिस्कस की थैंक यू